रिटायरमेंट के बाद कुछ करने की सोची और आज सबके लिए मिसाल बन गए हमीरपुर जिला के जीसी शर्मा। छोटी सी शुरुआत ने आज बड़ा कारवां खड़ा कर दिया है। एनवाईके के जिला को कोऑर्डिनेटर के पद से रिटायर्ड जीसी शर्मा ने जनसेवा का बीड़ा उठाया है। साल 1999 में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर अस्पताल में मरीजों को एक कप चाय पिलाने की शुरुआत की। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और आज 5000 सदस्य इस संस्था के साथ जुड़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि जनसेवा का ये कारवा मदद के पैसों से आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाय नाश्ते के साथ मरीजों को दो वक्त की रोटी भी मुहैया करवाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को दूध के साथ पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। भोजन और निःशुल्क शिक्षा के अलावा जरूरतमंद लोगों को दवाइयां और ऑपरेशन का सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1999 में विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त होने के बाद 25 लोगों ने सेवा भाव से प्रेरित होकर सीनियर सिटीजन काउंसिल की स्थापना की। इस स्थापना के फाउंडर चेयरमैन जीसी शर्मा, शक्तिचंद ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा और बीसी दुबे महासचिव भगवान दास, जबकि जेके सोंधी सम्मानित सदस्य के अलावा 25 कार्यकारिणी सदस्य हैं। वर्तमान में करीब 25 लड़के और लड़कियों को भी शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। निर्धन परिवारों को दवाइयों और अधिकतर 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता की जाती है। वर्तमान में चंदे के रूप में सीनियर सिटीजन काउंसिल के पास करीब 4 करोड़ का बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। जनसेवा के क्षेत्र में विकास के साथ ही काउंसिल ने धर्मार्थ योगी सेवा संस्थान और बाल सेवा संस्थान एवं युवा सेवा संस्थान नाम से भी अलग अलग इकाइयां गठित की हैं। बाल सेवा संस्था ने वर्ष 2002 से वर्ष 2005 में निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने का बीड़ा उठाया। संस्थान ने हमीरपुर में 4 मंजिला भवन का निर्माण किया हुआ है। सीनियर सिटीजन काउंसिल का गठन 1999 में किया गया था। इसमें बहुत से लोग रिटायरी हैं और संस्था को बनाने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य था कि हम सभी लोग नौकरी से रिटायर होकर आए हैं तो अपने लिए तो करते ही हैं, समाज के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से इसका संरचना की गई थी। बाद में चर्चा में ये आया कि सबसे पहले जो यहाँ हॉस्पिटल है सरकार का, वहाँ खाना मरीजों को ठेकेदारी पर मिलता है जो अच्छा नहीं मिलता है, तो खाना शुरू किया जाए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाए। तो 2000 में ये हॉस्पिटल प्रशासन ने ये कोने पे हमें को 2.5 कनाल जगह दी, उस जगह पर ये भोजनालय बना है जहां आप बैठे हुए हैं और वहीं से सारी गतिविधियां जो हैं वो संचालित हो रही हैं। पहले तो केवल भोजन रोगियों को दिया जाता था, लेकिन जब आर्थिक दशा ठीक हो गई तो रोगियों के साथ जो तीमारदार आते हैं उनको भी 3 समय, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके अतिरिक्त सुबह सुबह चाय, फिर कोई समस्या है गर्म करने की किसी चीज को तो वो 24 घंटे सुविधा है, गर्म पानी की 24 घंटे सुविधा है। तो ये तो रोगियों को, अब रोगियों को खाना क्या देते हैं, वो चार्ट बनता है एक पूरा, ताकि हर रोज हर टाइम एक ही चीज ना मिले। और अस्पताल में न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो भी अपना बताता रहता है कैल्शियम चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, तो उसके मुताबिक भोजन व्यवस्था की जाती है जो कि अति उत्तम है। तीमारदारों का कहना है कि इस तरह संस्था के द्वारा फ्री में खाना दिया जाना बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा खाना मरीजों को समय पर मिल रहा है, जो कि संस्था का सराहनीय कदम है। अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा। और भी कहीं देखा आपने सिस्टम खाने? नहीं, 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 अभी तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, बस इन्हें जरा थोड़ा खाना मिलता है वहाँ पर, और यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है। ऐसा खाना लगा आपको यहाँ? अच्छा है। और भी कहीं हॉस्पिटल मिलता है इस तरह खाना? देखिए, सबसे बड़ी बात है 20-25 साल से मैं जिला अस्पताल हमीरपुर में सीनियर सिटीजन काउंसिल के द्वारा जो चलाए जा रहे भोजन व्यवस्था, ये काफी मतलब प्रशंसनीय और पूरा प्रदेश के लिए एक मिसाइल कायम किया है, क्योंकि इतने बड़े भोजन व्यवस्था और साथ में उनका आए हुए तमीदार को
जिस हिसाब से इन्होंने सेवा कर रही है, गर्म पानी, चाय, दूध, ब्रेड, इतना ही नहीं दोपहर के भोजन, रात की भोजन, और उनके क्वालिटी और गुणवत्ता इतना अच्छा है। मैंने भी कई बार अमाना पेशेंट के साथ हमने वहाँ पर देखा, और उसमें खास बात ये पाया जो मरीज तो मरीज और उनके साथ जो आए हुए लोग उनको भी उनको भोजन व्यवस्था दिए जा रहे हैं। और प्रदेश के सबसे खास बात यह है कि इसमें बुजुर्ग ये नौजवान नहीं, शहर की सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग जो इस तरीके से इतना भारी भरकम काम कर रहे, ये बाकी प्रशंसनीय है।